हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मीन्स वाउचर की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आज हम लोग इनवाइस, चेक, मनी रिसीट्स, डिपॉजिट स्लिप्स, वाउचर, इसको भरना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जनरल एंट्रीज भी करेंगे। तो जनरल एंट्रीज भी कैसे करते हैं, दोनों की बुक्स में, एक्स वाई जेड की बुक में और पी क्यू आर, दोनों ही पार्टीज के बुक में हम लोग एंट्री करना भी सीखेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमारे पास 4 वाउचर है आज के लिए, प्रैक्टिस में इतना ही है। तो चलिए देखते हैं। 1 अक्टूबर 2018 को मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज कर रहा है कंप्यूटर 40,000 का, और क्विक हिल एंटीवायरस खरीद रहा है 3 साल के लिए 1,999 का फॉर द पी क्यू आर लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग। पहली चीज़ तो जनरल एंट्री से पहले वाउचर पहले भर लेते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, पार्टी है मेसर्स पी क्यू आर। पी क्यू आर को हम लोग बेच रहे हैं, मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है, मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड हो गया। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें बिलिंग नंबर की, तो नंबर हम लोग अपने से दे देंगे, F2 से यहाँ पे आ जाएगा सेल के अंदर। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दीजिएगा IN/001 सपोज करिए। यहाँ हमने बिल नंबर अपने मन से दे दिया। फिर यहाँ पे डेट F2 से, यहाँ पे डेट में हम लोग डाल देते हैं, किस डेट में हम लोग, 1 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट क्या है, क्या क्या खरीदा है, कंप्यूटर। तो एक पीस कंप्यूटर है और एक पीस एंटीवायरस। देखिए, एक पीस कंप्यूटर है और क्विक हेल एंटी वायरस 3 ईयर अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का दाम कितना है, 40,000, और एंटी वायरस का दाम 1,999। अब अगर हम अमाउंट की बात करें, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई वैल्यू, चूंकि एक ही क्वांटिटी है तो सेम वैल्यू आएगी। ये चीज़ नीचे भी एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे देखिए टोटल करते हैं, सम कर लेते हैं, तो 41,999 रुपीज़ टोटल आ गया। इसको हम लोग वर्ड्स में लिख देंगे, 41,999 ओनली ओनली लगाना मत भूलिएगा। और टोटल के भी पीछे चलिए, ठीक है, टोटल तो ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे जिसने भी बनाया। सपोज करिए विशाल बना रहे, तो विशाल सिंह, विशाल लिख देते हैं, विशाल सिंह हो गया। ये सपोज करिए अकाउंटेंट है, सेंटर कर दिया, आप ठीक लग रहा है। फाइनली इनवॉइस हमने बना दिया, सेल हम लोग कर रहे हैं पीक्यूआर को। ये सारी चीज़ें, टोटल अमाउंट कितना है, 41,999। तो ये तो अभी हमने एंट्री किया, वाउचर एंट्री कर लेते हैं, जाके जनरल एंट्री भी कर लेते हैं 1 अक्टूबर को। साथ ही साथ हम लोग वाउचर एंट्री भी करते चल रहे हैं 1 अक्टूबर 2018 को। यहाँ पे क्या, और एक्स वाई जेड तो सेल कर रहा है किसको, पी क्यू आर लिमिटेड को। तो पी क्यू आर लिमिटेड क्या होगा, डेबिट हो जाएंगे, वो डेटर बन जाएंगे, और टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया। दैट इज, अब देखिए यहाँ पे जो सेल किया है वो कितने का था, 41,999 का था। डायरेक्शन भी लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड, एक्स वाई जेड की बुक में तो सेल्स की एंट्री होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सेम डेट में एंट्री हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ परचेज हो रहा है।
परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई जेड मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड, दैट्स इट, हो गया। अमाउंट दिखा देंगे, सेम अमाउंट है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, तो बीइंग गुड्स परचेज हो गया। अब अगली एंट्री जो देखते हैं, ये तो हो गया सिंपल सा, पहला कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग जाएं वाउचर पे, तो हमने वाउचर भी फिट कर दिया और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, जनरल एंट्री भी कर दी दोनों की बुक्स में। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑन 2 अक्टूबर को मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड पेड द एंटायर अमाउंट बाई चेक सब्जेक्टेड टू द कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, तो चेक पहले काटेंगे। तो चेक जो कट रहा है वो किस दिन कट रहा है, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर 2018 को चेक कट रहा है। ध्यान रखिएगा ये अकाउंट पे ही चेक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर यूज़ कर लेंगे, और चाहे तो भी लिख देंगे अकाउंट पे ही, ये हो गया। यहाँ पे फिर पे का नाम लिख देंगे, किसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मिसर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड। रुपीज़ कितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हमें पेमेंट करें डिस्काउंट के बाद। तो हम अगर डिस्काउंट अगर चेक करें तो देखिए यहाँ पे 41,999 का सामान था, इस पर 2% डिस्काउंट हो रहा है, कैश डिस्काउंट है जाहिर सी बात है। अब इसमें से क्या, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 840 मान सकते हैं। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो 840 हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कितना अमाउंट हम लोग पार्टी से ले रहे हैं डिस्काउंट के बाद, 41,159, ये अमाउंट हम लोग अब पार्टी से लेंगे। तो 41,159 ये हो, इसको मर्ज कर लीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ड्स में लिखना होता है, तो 41,159 ओनली लगाना मत भूलिएगा, ओनली शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे कौन चेक काट रहा है, तो जाहिर सी बात है विशाल सिंह, देखिए डिजाइन में आ रहा है काफी अच्छा, विशाल ने चेक काटा, तो ये कंप्लीट हो गया। सब जो देखते हैं हम लोग, ये तो हमने चेक काटा, किसने काटा, ये पी क्यू आर ने काटा, ध्यान रहे ये पी क्यू आर चेक काट रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है ये चेक दिए किसको रहे हैं, एक्स वाई जेड को, तो एक्स वाई जेड हमें क्या देगा, तो रिसीट देगा। तो रिसीट का एक नंबर डाल देते हैं, सपोज करो 1001 है, तो रिसीट नंबर है, किस डेट में उसको रिसीट हो रही है ध्यान रखना, 02/10/2018, 2 अक्टूबर को पैसा मिल रहा है। रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम, तो यहाँ पे लिख देंगे नाम, जाहिर सी बात है रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम किससे रिसीव हो रहे हैं, मिसर्स पी क्यू आर लिमिटेड से मिल रहा है। अब जो देखिए यहाँ पे पहला चीज़, तो बिल नंबर क्या था, किस बिल नंबर के अगेंस्ट वो दे रहा है, तो याद है INV, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिएगा, ऊपर हमने बिल नंबर लिखा है, यही बिल नंबर हमने कॉपी कर लिया, और फिर मनी रिसीट में जो पैसा मिल रहा है उसी बिल का पैसा मिल रहा है। डेट देखिए क्या था, 1 अक्टूबर था, तो मैं टाइप कर दे रहा हूँ 2018, हो गया 2018। अब देखिए अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट कितना है,
तो अमाउंट अगर हम चेक करें तो 40,000 का पेमेंट, सॉरी 41,000 का पेमेंट होना है, 41,159 का यही पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए बिल का अमाउंट लिखना है, तो बिल का अमाउंट इनवाइस बताएगा आपको। इनवाइस में लिखा था 41,999, 41,999 ये बिल का अमाउंट था, ठीक है। लेकिन हमें जो चेक मिल रहा है वो कम का मिल रहा है, तो चेक नंबर अब मेंशन कर देते हैं। तो देखिए चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर हम लोग अभी देखना चाहते हैं, यहीं पे जाके देख सकते हैं चेक नंबर। चेक नंबर आपका है ये, चेक नंबर यहीं से कॉपी कर लेते हैं और चेक नंबर हमें मनी रिसीट में चढ़ाना है, ठीक है। तो ये चेक नंबर आ गया, 6 डिजिट का चेक नंबर होता है बाई डिफॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे किस डेट का चेक है वो डेट भी लिख देते हैं हम लोग। डेट का जो चेक था वो 1 अक्टूबर का था, ओके। अब देखिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ड्रॉन ऑन किस बैंक का है, वेल्दी बैंक, वेल्दी बैंक का चेक है। रुपीस कितने का था, ये जो था इसको वह यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, 41,000 100, 41,159 ओनली, ये हो गया 159, ये हो गया। सिग्नेचर कर देंगे विशाल सिंह, तो ये हो गया सिग्नेचर भी इनका। तो ये वाउचर कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक्स वाई जेड को पैसा मिल गया, उसने मनी रिसीट काट दी, सामने वाले ने पीक्यूआर ने चेक काट दिया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे जरा एंट्री कर लेते हैं पेमेंट और रिसीट की। तो पहली चीज़ तो इसको रिसीट हो रहा है, कब हो रहा है, 2 अक्टूबर को, दो अक्टूबर 2018 को हो रहा है रिसीट हो रहा है। तो इसकी एंट्री किस में होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे चूंकि आज पैसा मिल रहा है आज हम लोग चेक नहीं जमा कर रहे। अगर हम वाउचर पे ध्यान दें 3 तारीख को ये चेक जमा हो रहा है, तो इसको एज अ कैश की तरह रिसीव करिएगा। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और खासी ध्यान रखिएगा डिस्काउंट भी दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। और यहाँ पे हो जाएगा टू, देने वाला कौन है, टू मेसर्स पी क्यू आर, मेसर्स पी क्यू आर लिमिटेड। देखिए वहाँ पे मेसर्स पी क्यू आर को देना कितना था, मेसर्स पी क्यू आर हमें देने वाले थे 41,999, लेकिन जाहिर सी बात है वो हमें दे कितना रहे, 41,159 दे रहे। बाकी जो नहीं मिला वो क्या है, वो है आपका डिस्काउंट 840 रुपये। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव एंड डिस्काउंट 2% गिवन, दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो ये तो कैश रिसीव की एंट्री होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये पेमेंट कर रहे थे इनको, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, वो पेमेंट की होगी। एंट्री क्या होगी पेमेंट की, मेसर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है, टू बैंक अकाउंट, ये बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब अगर अमाउंट चेक करेंगे तो अमाउंट, अच्छा एक और चीज़ है, एक्स वाई जेड डेबिट कर रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब टू हम लोग बात करेंगे टू बैंक और टू, यहाँ पे डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में चढ़ा देंगे। एक्स वाई जेड को पेमेंट जो हो रहा है वो कितने से हो रहा है, पहली चीज़ तो एक्स वाई जेड का पूरा हिसाब किताब ख़त्म, एक्स वाई जेड का पूरे 41,999 टू बैंक अकाउंट,
पेमेंट कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है, बाकी किस में चढ़ गया, डिस्काउंट के खाते में चढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये, थोड़ा सा दिमाग मतलब लगाना है यहाँ पे एंट्री करते समय भी। बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव 2%, 2% का डिस्काउंट में मिल गया। तो ये एंट्री होगी, हमने दोनों एंट्री कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑन 3rd अक्टूबर 2018 को कह रहा है क्या, एक्स वाई जेड लिमिटेड डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू वेल्दी बैंक सीसी अकाउंट। तो सीसी अकाउंट में हम लोग इस पैसे को जमा कर रहे हैं, जो पैसा आया तो डिपॉजिट की एंट्री करनी है। तो इसके लिए देखिए डिपॉजिट रिसीट, डिपॉजिट स्लिप दे रखा है, किस ब्रांच में जमा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ इसी ब्रांच का है, कोलकाता मेन। तो कोलकाता मेन BVRP रोड, हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट शॉट कम करना है तो फॉन्ट छोटा कर लीजिएगा, बस इतना बहुत है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच लिखने के बाद डेट, किस डेट में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं। तो डेट हम लोग जमा कर रहे हैं 3 अक्टूबर को, तो यहाँ हो जाएगा 03/110/2018। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर देखिए दिया हुआ है, अकाउंट नंबर यहीं से हम लोग देख के टाइप कर लेते हैं। अकाउंट नंबर यहाँ पे भी पूछेगा, यहाँ पे भी अभी ही टाइप कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अकाउंट नंबर हम लोग ओके, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी हम लोग लिख लेंगे। अकाउंट नंबर देखिए है, अभी देखिए फॉन्ट में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नंबर्स कर लेते हैं, नंबर अलाइनमेंट जनरल में कर दिया, डेसिमल आने लगा, रिड्यूस कर दीजिए, बस हो गया, अकाउंट नंबर आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, किसके खाते में जमा हो रहा है, जाहिर बता एक्स वाई जेड जमा कर रहे हैं अपने खाते में, तो एक्स वाई मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड, मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड के खाते में जमा हो रहा है, इसी को कॉपी करते हैं, नेम में भी ये रहेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या जमा कर रहे हैं, चेक जमा कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेक हो गया, कैश नहीं जमा हो रहा, ध्यान रखिएगा चेक जमा हो रहा, तो चेक का नंबर भी हम लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे, चेक नंबर ये ना, यही चेक नंबर आया जो हम जमा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जीरो से स्टार्टिंग है, अब जीरो यहाँ लेगा नहीं, अब क्या करेगा, सबसे अच्छा ना इसके आगे ही लिख दीजिएगा, अब ले लेगा, कहने को बोला एज अ टेक्स्ट हो जा रहा है इसलिए वो ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट था 41,159, तो ये अमाउंट हमारा जमा हो रहा है, टोटल में भी ये होगा, वर्ड्स में भी लिख देंगे 41,000, नाइन ओनली हो गया। तो इसको बढ़ा दीजिए,
बल्कि पैसे को कम करके अमाउंट पर्टिकुलर का काम बड़ा कर देते हैं। हो गया, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को इस साइड में भरना है, तो इस साइड में देखिए क्या क्या चीज़। पहली चीज़ तो किस खाते में हम लोग जमा कर रहे हैं, और डेट, डेट तो वही हो जाएगा, यहाँ पे डेट है कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो सेम डेट में जमा हो रहा है, और सीसी अकाउंट में जमा हो रहा है, तो ध्यान रखिए सीसी अकाउंट में टिक करना है। तो टिक करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ होता है सिंबल, सिंबल में जाइए, टिक होता है, इंसर्ट कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए, टिक आ गया, सीसी अकाउंट में जमा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बैंक का नाम, तो किस बैंक का वो चेक है, वेल्दी बैंक का चेक है, किस ब्रांच का चेक है, तो ब्रांच हम लोग वहीं से कॉपी कर लेंगे, चेक पे लिखा होता है ब्रांच, कॉपी, डिपॉजिट स्लिप पे आइएगा, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, तो हम लोग ऐसे कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करके वहाँ चले जाइए और वहाँ पेस्ट कर लीजिए, यहाँ भी पेस्ट करते समय डबल क्लिक करके पेस्ट, ठीक है। चेक नंबर उठा लेंगे, तो चेक नंबर जो था वो ये है, पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी ले लेते हैं ताकि वो एज अ टेक्स्ट की तरह कॉपी हो जाए। आ गया, अब जा देखिए डेट, डेट किस डेट का वो चेक था, चेक था 2 अक्टूबर का, मैं टाइप कर दे रहा हूँ, चेक था 2 अक्टूबर का, लेकिन जमा ध्यान से, जमा जो हो रहा है वो कब हो रहा है, 2 अक्टूबर। अब देखिए कितना रुपीज़ है, तो कैश जमा नहीं हो रहा है, चेक से जमा हो रहा है, तो सीधे यहाँ पे वर्ड्स में लिख देते हैं नीचे, तो यह भी लिखने की ज़रूरत है, हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो बगल में आपने टाइप किया ही है, तो यहीं से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, टाइम बच जाएगा आपका थोड़ा, और कुछ नहीं। सिग्नेचर और डिपॉजिटर, यहाँ अमाउंट में लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, 41,159, अलग ही कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा विशाल सिंह का, ये अकाउंटेंट है, ये डिपॉजिटर, ये साइन कर रहा है। तो देखिए हमने कहीं छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं छूटा है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिपॉजिट कर दिया, तो डिपॉजिट की एंट्री करेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं कब, 3 तारीख को वो जमा कर रहे हैं, तो 3/10/2018 को, तो जाहिर सी बात है डिपॉजिट हो रहे हैं, तो डिपॉजिट की एंट्री करेंगे, डिपॉजिट की एंट्री हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देखिए कैश अकाउंट यानी कि बैंक में पैसा जमा हो गया, कितना जमा करना है ये ध्यान रखिएगा, यही था अमाउंट, यही जमा हो रहा है, बीइंग यहाँ लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हो गया, तो सिंपल है, तो ये वाउचर हमारा जमा हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेक हमने जमा कर दिया, अब लास्ट टाइम वाउचर थे डेबिट वाउचर किसी खर्चे का है, तो इसके लिए वाउचर पहले देख लीजिए क्या वाउचर, यहाँ पे वाउचर नंबर यहाँ पे दे रखा है क्या, कि 10 अक्टूबर को एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड 2,000 फॉर परचेज ऑफ कैस्पर स्काई इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर अनदर कंप्यूटर रिन्यूएबल आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना, तो 2,000 का अगेन कैस्पर स्काई इंटरनेट सिक्योरिटी लिया जा रहा है, अगेन वाउचर पे जाएंगे, पहली चीज़ तो डेबिट वाउचर हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, तो अगेन इंसर्ट करेंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, सिंबल अगेन टिक का ऑप्शन यहाँ से ले लीजिए, हो गया टिक, किस डेट में हो रही है वाउचर का देख लीजिए, 10 अक्टूबर को, यहाँ लिखेंगे 10 अक्टूबर 2018, ठीक है, पे रिसीवर होने किसको पैसा दे रहे हैं इसके लिए, तो मान लीजिए हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय है रवि,
रवि गुप्ता, उसको पैसा दिया जा रहा है किसके लिए, कि भाई कैसे पैसा का इंटरनेट सिक्योरिटी लेके आना है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए है क्या? कंप्यूटर मेंटेनेंस है, कंप्यूटर मेंटेनेंस खाता डेबिट हो जाएगा कितने से? 2000 से, ठीक है, डेबिट फिर टोटल भी अमाउंट में वही रहेगा 2000, ठीक है। अगेन कैश पे टिक करना है, अगेन इंसर्ट सिंबल, सिंबल में जाएंगे, टिक लेते आइएगा। अब रुपीस में देखिए टाइप करना है, तो रुपीस में हम लोग टाइप कर लेंगे 2000 ओनली, ठीक है, 2000 ओनली हो गया। रिसीवर का नाम क्या? रवि गुप्ता, और जाहिर सी बात है पास बाय मैनेजर, तो मैनेजर का नाम है दीपक, अकाउंटेंट जो है विशाल सिंह, हो गया। अब देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ पूछता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ ये जो कंप्यूटर मेंटेनेंस का पेमेंट हो रहा है किस किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर कुछ अगर नहीं समझ में आया तो अगेन मेंटेनेंस डाल दीजिए, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे रेंट वेंट का पेमेंट होता है तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द मंथ ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ मंथ मार्च, ये सब हम लोग लिखते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ इशू है नहीं, तो कुछ नहीं समझ में तो मेंटेनेंस डाल दीजिए, ठीक ना, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। बस ये वाउचर बन गया, अब लास्ट में इसकी एंट्री करनी है, तो ये कंपनी के लिए तो खर्चा है ना, तो 10 अक्टूबर को एक खर्चे की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, कंप्यूटर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट हो गया, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे टू, आखिर में क्या जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है या कैश जा रहा है, तो जैसे कैश का पेमेंट किया गया, कैश से पेमेंट किया है 2000 रुपये का, तो कैश अकाउंट कितने रुपए से? 2000 रुपये। बस सिंपल है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? नरेशन, नरेशन लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर, बीइंग एंटीवायरस, परचेज, बस हो गया। तो एक एंटीवायरस हम खरीदे, इसकी एंट्री हो गई, टोटल अपने एंट्री कंप्लीट कर लिए, वाउचर्स भी भर लिया, हमने इनवाइस बनाया सबसे पहले और उसकी एंट्री भी किया हम लोगों ने, फिर इसके बाद चेक उसका पैसा आया डिस्काउंट के बाद, फिर डिस्काउंट की हमने एंट्री भी की, फिर क्या किया, एक हमने मनी रिसीट काटा, फिर इसके बाद हमने एक डिपॉजिट किया, क्या डिपॉजिट किया? चेक, तो हम लोगों ने क्या चीज़ जमा किया? चेक जमा किया। इसके बाद क्या, वाउचर से एक डेबिट वाउचर, एक खर्चे का वाउचर काटा, और इसकी जनरल एंट्री हमने की हुई है, जो एंट्री एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दोनों में नहीं थी वो दोनों में की है, और कुछ एंट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड की है तो सिर्फ उनके बुक्स में एंट्री किया। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा पेपर जिसमें एक तरीके से कुछ वाउचर्स दे रखे थे, आपको वाउचर समझने थे और समझ के उसको पास करना था। तो मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।